नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूं। मैं अपने देशभक्तों क्रांतिकारियों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में आप सबको उनकी गौरव गाथा के बारे में बताने जा रही हूं। कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि गिरा प्रसाद शुक्ल स्नेह की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है और मन विचरने लगता है हमारे अतीत के गलियारे में। हमारी ये भारत भूमि सनातन भूमि है। हमारी परंपराएं, हमारी विचारधाराएं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सभी महान हैं। भारत जहां पर की अनेक संत हुए हैं, ये ऋषियों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। 800 वर्ष तक मुगली अत्याचारों का तांडव होता रहा और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने अपने शासन काल में फूट डालो और राज करो की नीति से हमें आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया। कभी हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पर की एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पिया करते थे। लेकिन हमारे वैभव ने विदेशियों को आकर्षित किया और व्यापार के बहाने वो हमारे देश में आए और उन्होंने हमें आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। अनेक क्रांतिकारियों, देशभक्तों, वीरों की शहादत के पश्चात, उनके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें आजादी मिली और हम आज आजाद देश में सांसें ले रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रथम क्रांति थी वो 1857 में शुरू हुई थी और उसके पहले नायक मंगल पांडे को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके जो नायक दूसरे नायक थे, जैन समाज के हुकम चंद जैन और उनके भतीजे फकीर चंद जैन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हुकम चंद जैन हरियाणा के हिसार जिले के हांसी निवासी थे और वो बादूसा जफर के कानूनी सलाहकार भी रह चुके थे। जब अंग्रेज हरियाणा पंजाब में दाखिल हो रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने बादूसा जफर को, बादशाह को, एक चिट्ठी लिखी और उनसे मदद मांगी और वही चिट्ठी अंग्रेजों के हाथ में लग गई। तब अंग्रेजों ने लाला हुकमचंद और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी, जबकि कोर्ट से फकीरचंद जो कि 13 साल के बच्चे थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर भी उनके घर के सामने ही उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। और जो हुकमचंद जैन थे उनके पास 9000 एकड़ जमीन थी, उसके बाद भी उनके परिवार को वहां से बेदखल कर दिया गया और 80 साल तक उनका परिवार हांसी में प्रवेश नहीं पा सका और उनकी जो भी धन दौलत थी वो कोड़ियों के भाग नीलाम कर दी गई। तो अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हुकम चंद जैन और फकीर चंद जैन को हम नमन करते हैं